हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों आज हम आपको जंगली जड़ी बूटी छोटे धतूरे के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनके बाल झड़ रहे हो या गंजापन आ गया हो, इनके लिए ये वनौषधि छोटा धतूरा बहुत ही कारगर है। ये जंगली पौधा वर्षा ऋतु में बरसात की शुरुआत होते ही सर्वत्र अपने आप उत्पन्न होता है। छोटा धतूरा को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जानते हैं। संस्कृत में इसे अरिष्ट, मेघ्य और सर्पाक्षी कहा है। इसका हिंदी नाम छोटा धतूरा, छोटा गोखरू, काकरा और शंखापुली है। मराठी में काकरा और शंकोश्वर से जानते हैं। गुजराती में इसे गाडरड़ी कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम जांथियन स्टुअरियम है। यह वनस्पति खेत, खलिहान और सड़क के दोनों ओर आपको आसानी से दिख जाएगी। यह पौधा लगभग 1 से 4 फुट ऊंचा होता है और इसके पत्तों का आकार लगभग अंजीर के पत्तों के समान दिखाई देते हैं। इसको अंडाकार फल लगते हैं जो बहुत ही कांटेदार होते हैं। यह कांटेदार फल कपड़ों पर चिपक जाते हैं। यह वनस्पति बहुत ही मूल्यवान है। कुछ लोग इसे आधा शशि भी कहते हैं क्योंकि यह वनस्पति दमा और आधा शशि को मिटाने वाली होती है और चर्म रोग का सफाया करती है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म की हम बात करें तो इसके बीच ज्वरनाशक, मूत्रवर्धक, पित्तनाशक और कृमिनाशक होते हैं। इस वनस्पति का गुणधर्म शीतल है। यह मलेरिया में बहुत फायदेमंद है और गुर्दे की पथरी के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। आयुर्वेद में जिन जिन औषधियों को बालों के लिए श्रेष्ठ माना गया है, बाल बढ़ाने के लिए हो या बालों को काला करने के लिए, इन सभी औषधियों का गुणधर्म शीतल है। इसके अलावा इसकी जड़ को मलेरिया में उपयोगी माना गया है। इस पौधे में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह कील, मुहासे और फोड़े फुंसियों को दूर करता है। यह जंगली जड़ी बूटी गंजापन दूर करने में सबसे कारगर है। गंजापन दूर करने के लिए इसके नए और कोमल कोमल पत्तों को लेकर पानी से धोकर साफ कर ले। गंजापन दूर करने के लिए इसके नए और कोमल कोमल पत्तों को लेकर पानी से धोकर साफ कर ले और इसे पीच छानकर रस निकाल ले। जितना रस निकाले ठीक उससे आधा काली गाय का शुद्ध घी लेकर दोनों को आपस में अच्छी तरह मिला ले। फिर लोहे की कढ़ाई में डाले और हल्की आँच पर धीरे धीरे पकाए। पकाते समय बीच बीच में लोहे की कड़छी को चलाते रहे। इसे पकाते समय मुंह और हाथों को अच्छी तरह कपड़े से बांध ले क्योंकि इस मिश्रण को उड़ने की संभावना रहती है। जब सारा रस जल जाए, सिर्फ घी मात्र शेष रह जाए, तब इसे उतार कर छान कर किसी बोतल में भर कर सुरक्षित रख ले। अब इस तेल से रोज सुबह शाम आधे घंटे तक अपने सिर पर मालिश करें। इस प्रयोग को आपको लगभग 15 से 20 दिनों तक करना चाहिए। अगर सिर पर गंजापन ज़्यादा हो तो इस प्रयोग को ज़्यादा दिनों तक करें। लगभग 15 दिनों के बाद आपके सिर पर बाल नए आने लगेंगे और गंजापन दूर हो जाएगा। जहाँ इसके लाभ है वहीं इसकी कुछ सावधानियाँ भी है, इसलिए इस प्रयोग को करने से पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।